मेरा मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था वो नेशनल हाईवे को लेके है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कुछ ही महीनों पहले ये हमारा नाशिक से लेके पत्नीटॉप तक रोड मेंटेनेंस का काम हुआ था, ब्लैक टॉप हुआ था, ड्रेन बनी थी। मगर मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से दोबारा से जो वो पहले वाली पोजीशन थी आज वही आ पहुंची है, क्योंकि आप देखिए नाशरी से लेके पत्नीटॉप तक रोड की बुरी हालत हो चुकी है। जगह जगह पे मतलब रोड खराब हो चुकी है। यहाँ हमारे पार्क का मोड़ है, उसके बाद नाशरी से ऊपर आके एक दो स्ट्रेच हैं जहाँ पे रोड बैठ चुकी है और उसको दोबारा से रेनोवेशन की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि बड़े डेंजरस वो एक मैं कहूँगा एक्सीडेंटल प्रोन वो रोड बन चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बैठ बैठ चुकी है रोड। तो मैं बताऊं आपको बतू नाला से लेके बदरवा मोड़ तक एक पोर्शन है, यहाँ पे भी एक म्यूनसिपलिटी है, यहाँ पे भी एक रोड जो है वो बैठ चुकी है और एक्सीडेंट होने का खतरा है। एक दो बार हादसे ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इसको गौर तलब करें और ये जल्द से जल्द जो हमारा मसला है, ये काफी बार हमने मसले उठाए हैं, इसको जल्द से जल्द जनाब सॉर्ट आउट करें। और साथ में मैं बताऊं ये हमारे जो हॉस्पिटल की हालत है, खस्ता हालत है हॉस्पिटल पटौत की। आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो पहले डिब्यूट किए गए, यहाँ पे लगाए गए, फिर यहाँ से उठा के कईयों को जम्मू अटैच किया गया है और कईयों को उधमपुर में अटैच किया गया है, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो चाइल्ड केयर लीव पे चले जा रहे हैं। मैं कहूंगा यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, 50,000 की पॉपुलेशन है, मगर आप देखिए यहाँ पे स्टाफ इतना खास बिल्कुल नहीं है। एक दो डॉक्टर्स के अलावा यानी मेडिकल ऑफिसर की 4 पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई है, फिजिशियन की यहाँ पे पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर की पोस्ट है उसको अटैच किया वो खाली पड़ी हुई है, ऑर्थो डॉक्टर की पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है उसको भी अटैच किया गया, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, और खास करके जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे है ही नहीं। मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब से भी कि इसको थोड़ा टेकअप करें चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से, कि यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करवाई जाए और उसको जल्द से जल्द मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। और रही बात पीएचई की, पीएचई की पूरे बटोत म्यूनसिपलिटी में मैं कहूंगा बहुत ही हमारे 7 वार्डों में खस्ता हालत है जो म्यूनसिपलिटी के वार्ड है। आप देखिए लोग रो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है लोगों को, बिल्कुल ऐसे एक एक बूंद पानी आता है। और आप देखिए बाकी म्यूनसिपलिटीज में जो हमारे पानी की प्रॉब्लम है, मैं ये गुजारिश करूंगा डीसी साहब बटोत में कैंप लगाए, यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठे और उनको पूछे क्या परेशानी है, और ये जो मैं कहूंगा लोगों के हमारे म्यूनसिपलिटी 7 वार्डों में पानी की प्रॉब्लम है, इसको जल्द से जल्द मसले को हल करें, और जेई जो है वो खुद ही जाए और वार्ड वाइज वो एक टूर लगाए, क्योंकि ऐसे वर्बली लोग आवाज उठा उठा के करेंगे तो एक जेई वहां पहुंचेगा वो मैं कहूंगा बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर जेई खुद अगर यहाँ पे जाए वार्ड्स में तो उससे उसको पता इनपुट्स मिलेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पानी की क्या प्रॉब्लम है, पाइपें ब्लॉक हैं कि क्या हुआ है। तो ये मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और डीवकॉम साहब हैं, डीसी साहब हैं, इसको जल्द से जल्द मसले को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे हमें भी हकूक है इस हिंदुस्तान में जीने का, क्योंकि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी बुरी हालत है, हम लोग ऐसे टेंडर से निगलेक्ट हो चुके हैं, और अगर इसको ही डेवलप किया जाए तो मैं कहूंगा बहुत बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए।